हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड नाम सुना होगा, मैग्नेट के साथ खेला होगा बचपन में। क्या होता है जब आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के नियर बाई लाते हैं तो दोनों क्या करते हैं, या अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स में, दोनों मैग्नेट्स के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। क्या वो फोर्स आप देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप उसको विजुअल देख नहीं सकते हैं। दैट मीन्स आप देख पाएं या नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। क्या मैग्नेट और एक मेटलिक ऑब्जेक्ट दोनों अट्रैक्ट करते हैं? यस, डेफिनेटली दे डू, वो अट्रैक्ट करते हैं अपने आप। तो कहने का मतलब है ये कुछ अदृश्य फोर्स, लाइक दूसरा सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ये मार्कर, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे आ रहा है। दैट मींस एक फोर्स इसको खींच रहा है, ग्रेविटी। नहीं दिखने वाला फोर्स है लेकिन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली मैग्नेट, उसके कारण जो फील्ड बन रही है वो भी क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। अगेन दिखने वाला फोर्स नहीं है लेकिन क्या है, एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमने कूलम्स लॉ से डिफाइन किया था। वो फोर्स क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगेन दिखने वाला नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो आप लोग जानते हैं जब आप एक मैग्नेट रखते हैं कहीं पे, लेट अस सपोज एक सीट के ऊपर एक मैग्नेट रखा है, उसकी चारों ओर एक फील्ड सी बनती है। फील्ड हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे ही उसके नियर बाय में एक ऑब्जेक्ट ले जाता हूँ, या तो वो अट्रैक्ट हो जाता है या रिपेल, यानी वहाँ कुछ फील्ड था जो मुझे दिखाई नहीं दिया लेकिन वो है। बात समझ में आ रही है? तो वही अदृश्य चीज़ को हमने क्या नाम दे दिया, फील्ड। किसके कारण? मैग्नेट के कारण, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। इन अ सिमिलर वे, जैसे ही आप एक चार्ज रखते हैं उसके चारों ओर भी एक फील्ड सा क्रिएट हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आप लोग इतनी बात समझ पा रहे हैं? चलिए आइए समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, आपने एक चार्ज लिया क्यू चार्ज, आपने एक चार्ज लिया क्यू चार्ज। ये क्यू चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखिए रियल में ये डॉट 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 जो आपको दिखा रहा हूँ, ये रियल में आपको दिखाई देने वाले नहीं हैं, बस आपको फील कराने के लिए मैं ये बोर्ड में दिखा रहा हूँ कि ये कुछ फील्ड सी चीज़ है। डॉट 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 डॉट, क्या है ये, क्या चीज दिखा रहा हूं मैं, ये आपको नथिंग बट फील्ड दिखा रहा हूं। दिस इज द फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड में जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इसके नियर बाय आएगा, वैसे ही यहां भी डेफिनेटली फील्ड होगी। जैसे ही इस फील्ड के नियर बाय कोई दूसरा चार्ज आएगा, या तो वो इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स ये जो फील्ड क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, क्या होगी, ये फील्ड उस पर या तो फोर्स लगाएगी, अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं। आप लोग ये सब नहीं कर पाएंगे, मैं डेंसिटी कम कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा विजुलाइज हो सके। आइए समझिएगा, लेट अस सपोज यहां पे मैंने कोई चार्ज लेके आया, कोई चार्ज क्यू नॉट लेके आया। मान लीजिए यहां पे मैंने कोई चार्ज लेके आया क्यू नॉट। इस क्यू नॉट चार्ज को आप क्या बोलते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसको आप बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको आप क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। इस पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए आप इसका नाम दे देते हैं टेस्ट चार्ज, अदरवाइज कोई अंतर नहीं है। अब बात सुनिए, जैसे ही आप ये चार्ज इसके चारों ओर, किसके चारों ओर, इस चार्ज के फील्ड में आप जैसे ही लाए, तो ये क्या है, इसके फील्ड ने, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे एक फोर्स लगाया। अट्रैक्टिव रिपल्सिव बाद में बात करेंगे, एक फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। आइए कितना हो जाएगा, सॉरी, दिस इज चार्ज क्यू। आइए समझते हैं कितना फोर्स लगाया। आइए यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स इसने लगाया, कितना लगाया दो चार्ज के बीच में, के
Q1, Q2 by R square. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो क्या लिखोगे आप? R वेक्टर डॉट मॉड ऑफ R. इज इट राइट? आइए समझते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज फोर्स. कौन सा फोर्स? डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो क्या है फोर्स पर यूनिट चार्ज? यानी आपने इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया तो आपका ये क्या निकल के आ गया? के क्यू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर का क्यूब. अब समझने वाली बात यह है, ये जो एफ नॉट बाई क्यू एक क्वांटिटी है जिसको हम फ्यूचर में एक नाम देने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का. ये जो क्वांटिटी है ध्यान से देखिए किस पे डिपेंड कर रही है? केवल और केवल क्यू पे, क्यू नॉट पे नहीं. तो यानी इट्स अ कोर प्रॉपर्टी. कोर प्रॉपर्टी किसकी? ऑफ क्यू चार्ज. यानी यूनिक चार्ज की ही ये प्रॉपर्टी है. बात समझ में आ रही है? आइए समझते हैं. इसी को आप नाम दे देते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी को आपने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये है क्या? यहां पे लिख रहा हूं इट इज कोर प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? कोर प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? सिंगल चार्ज की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगल चार्ज यानी एक ही पे डिपेंड कर रही है. फॉर्मूला देखिए, केवल एक चार्ज पे डिपेंड कर रही है, दो पे नहीं. दिस इज अ प्रॉपर्टी जो क्यू पे ही डिपेंड कर रही, नॉट अदर चार्ज. अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा फील कीजिएगा. यहां पे क्यू नॉट चार्ज और ये इसका फील्ड आपको दिख रहा है, सॉरी इस क्यू का ये आपको फील्ड दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे ही आप ये क्यू नॉट इस पे लाए तो आपको क्या हुआ? तो क्यू नॉट पे क्या लगा? एक फोर्स लगा. सिमिलरली आप दूसरा चार्ज लाएंगे 2 कूलम का तो उससे फोर्स लगेगा. सिमिलरली 10 कूलम का यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर ये फोर्स लगाएगा. ये मतलब इसका फील्ड या ये लगाए, बात एक ही है. तो आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. यानी अगर मैं 1 कूलम चार्ज यहाँ पे रख दूँ, 1 कूलम चार्ज अगर मैं यहाँ पे ला के रख दूँ, कितना फोर्स लगाएगा ये? लेटर सपोज इसका अमाउंट मान लेते हैं. लेटर सपोज हमारा के क्यू आर बाई ये जो क्वान्टिटी है, मान लेते हैं ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं कितनी? 10. कितना यूनिट क्या होगी? 10 न्यूटन पर कूलाम. क्यों यूनिट क्या होगी? फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलाम. क्या होगी यूनिट? न्यूटन पर कूलाम. एग्जांपल के तौर पे आइए देखिए, लेट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एज्यूम की 10 न्यूटन पर कूलाम. अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे 5 कूलाम का एक चार्ज रख दूं, यहाँ पे मैं एक 5 कूलाम का चार्ज लेके आऊँ तो कितना फोर्स लगेगा? आइए अगर 1 कूलाम का चार्ज लेके आऊँ तो कितना लगेगा? 1 कूलाम का चार्ज तो फोर्स उस पर लगेगा फॉर 1 कूलाम चार्ज. कितना लगेगा उस पर फोर्स? फोर्स लगेगा कितना? 10 × 1. क्यों? ये तो यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स 10 है. यूनिट पे लग रहा है 10, तो 1 पे कितना लगेगा? 1 × 10, दैट इज द 10 न्यूटन. सिमिलरली फॉर अगर 5 कूलाम चार्ज आप रख दें, अगर 5 कूलाम चार्ज रख दें, यूनिट पे लग रहा है 10, तो 5 के कितना लगेगा? 10 × 5 = 50. कितनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपका यहाँ पे रख दें 50 कूलाम चार्ज, यूनिट पे लग रहा है 10 कूलाम पर मीटर, यूनिट पे लग रहा है 10, आपने रख दिया 50 कूलाम लेके आ गए, तो 50 × 10 500 न्यूटन उस पर. यानी फोर्स एग्जैक्ट कर रहा है कौन? ये कर रहा है, या बोल दीजिए इसका फील्ड क्रिएट कर रहा है. कितनी बात आपको समझ में आई? तो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक, ताकि आप थोड़ा विजुअलाइज कर पाएं, आप इमेज बना पाएं अपने माइंड पे. इज इट ओके? क्लियर है? चलिए अब आप बात समझिएगा. आपने क्या डिफाइन किया? आपने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसको हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज नाम दे रखा है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड.
अब यहां से आप ये भी तो बोल सकते हैं एफ इक्वल्स टू क्या क्यू नॉट ई, या इन जनरल एफ इक्वल्स टू क्यू ई। तो इसको देख के घबरा मत जाना, एक ही चीज है। इज इट ओके? इतना अगर समझ में आ रहा है नोट डाउन करिए। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस। आर डिस्टेंस पे आपको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि एक प्रॉपर्टी है, वो बतानी है। आइए समझिए, ये आपके पास एक चार्ज है क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट आर डिस्टेंस, यानी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बात समझ में आ रही है? पहली बात डायरेक्शन बता सकते हैं। देखिए हम एज्यूम करते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे निकालो कहते हैं, अगर कुछ आपको पता नहीं है, ध्यान से सुनिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। अगर यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज आप रखते, नेगेटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे निकालते, तो वो उसका डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? नेगेटिव है, इसलिए इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? आइए देखिए और क्लियर होगा आपको। फोर्स जनरल नॉट इन वेक्टर, पहले चलिए दोनों में देख लेते हैं क्या होता है। के क्यू क्यू नॉट टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? फोर्स का अगर वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी बता चुका हूं, के क्यू क्यू नॉट आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर का क्यूब। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फॉर्मूला आपको केवल और केवल क्या देता है? ये फॉर्मूला ऊपर वाला आपको केवल और केवल देता है क्या? मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आर वेक्टर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देता है, प्रोवाइडेड आपने सारे के सारे विथ साइन रखे हैं। मींस अगर क्यू नेगेटिव है तो क्यू को नेगेटिव, यानी इनको विथ साइन रखा है, तो ये आपको डायरेक्शन भी देगा। एक रिलेशन है आपका, आइए समझिए। अब यहां से क्या निकल रहा है? यहां से इंप्लाइज, इस ऊपर वाले से आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हैं कितनी आ जाएगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आइए इसको दूसरे बॉक्स में डाल दीजिए। दिस इज योर के क्यू बाई आर स्क्वायर, यूनिट बताने की जरूरत नहीं है, न्यूटन पर कूलाम। आइए यहां से इससे क्या निकल के आ रहा है आपका, इस वाले से निकल के आ रहा है वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? वेक्टर क्या आएगा? के क्यू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर का क्यू, यूनिट तो सेम रहेगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फॉर्मूला आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, ये आपको मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। अगर आपने प्रोवाइडेड ये क्यू को साइन के साथ डाला है, यानी आपको ये क्यू कैसे डालना है? क्यू डालना है विथ साइन, ये कैसे डालना है? विथ साइन। अब ये आपको डायरेक्शन भी देगा। अगर पॉजिटिव क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, अगर माइनस क्यू तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या आपको ये दोनों बात समझ में आई? इज इट ओके? चलिए समझिएगा, क्यू निकालना है ड्यू टू एट आर डिस्टेंस, इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट आर डिस्टेंस। तो यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वैक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? के क्यू आर वैक्टर बाई मॉड ऑफ आर क्यूब। ये सारी बातें हम फोर्स की बात स्पेशली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर चुके हैं, आर डिस्टेंस पे कैसे निकालेंगे। एक और रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। अगेन फोर्स वैक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वैक्टर क्वान्टिटी। इज इट ओके? यानी जैसे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए स्केलर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में और वेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कौन सी इजी पड़ेगी, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, सोचिए। देखिए जहाँ पे आपका वेक्टर आ गया तो उसकी प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि डायरेक्शन का आपको ध्यान देना होता है, साइन का आपको ध्यान देना होता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन अप्रोच लगा रहे हैं तो वेक्टर
कैंसिल भी हो सकते हैं, वेक्टर जुड़ भी सकते हैं। अगर स्केलर को सॉल्व कर रहे हैं लाइक पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने वक्त आपको कोई ध्यान किए क्या कोई डायरेक्शन ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ब्लाइंडली इंटीग्रेट कीजिए सॉल्व कीजिए। बट जहाँ जहाँ आपकी वैक्टर क्वान्टिटीज़ को आप इंटीग्रेट करेंगे या सॉल्व करेंगे या कैसी सिचुएशन आ सकती है वहाँ आपको माइंड ओपन रखना पड़ेगा, वहाँ आपको कहाँ से किस से क्या लिमिट रखनी है, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट हो चुकी है वो चीज़ें। बात समझ में आ रही है? श्योर। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, पूरा मैं समराइज करने जा रहा हूँ, एक बात सुनिए। फोर्स हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज से आपने डिवाइड किया, आपका क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोनों में कुछ खास अंतर है? फोर्स ही तो है यूनिट चार्ज में, आपने यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दिया जितने पे आपको निकालना है फोर्स, जितने पे निकालना है 5 कूलम पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो 5 से डिवाइड कर दीजिए फोर्स को, 10 कूलम पे निकालना है तो 10 कूलम से डिवाइड कर दीजिए फोर्स को। तो घूम फिर के इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है थोड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है। और फोर्स से रिलेटेड हमने काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल देखे थे, लाइक सीरीज प्रॉब्लम, सीरीज बन रही थी, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, डिफरेंट टाइप ऑफ हमने न्यूमेरिकल किए थे रिलेटेड टू फोर्स। वो सारे के सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे दोबारा आ सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि दोनों में अंतर कुछ थोड़ा है, वही तो है पर यूनिट चार्ज आ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सारे के सारे क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल हैं अब वो मैं सारे के सारे दोबारा तो मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। पर यूनिट चार्ज से आपको डिवाइड करना है, बस मैं कैसी कैसी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की बन सकती है वो मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूं। इज इट ओके? ओके बच्चों, यहां पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिख दिए हैं जो पॉसिबल हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए कैसी कैसी प्रॉब्लम पॉसिबल है देखिएगा। यहां पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने याद कीजिए हमने कूलम्स लॉ पे बेस्ड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी कैसी प्रॉब्लम की थी जब हमें फोर्स कैलकुलेट करना होता था। हमने देखा था ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम बोलते थे किसी एक चार्ज पे, लेट अस सपोज Q3 पे नेट फोर्स निकाल दीजिए बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए Q3 पे, Q3 चार्ज पे बिकॉज ऑफ Q1, Q2। सिमिलरली प्रॉब्लम ऐसी बन सकती है Q1, Q2, Q3, Q4 कोई चार्ज है इनके कारण Q4 पॉइंट पे चौथे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए बिकॉज ऑफ दीज थ्री। बिल्कुल पॉसिबल है, हमने फोर्स के टर्म में कराई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आप प्रैक्टिस करना। Q1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, Q2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपको दे दी जाएगी। सिमिलरली और क्या प्रॉब्लम बन सकती है? अगली प्रॉब्लम बोल देगा स्क्वायर के कॉर्नर पे चार चार्ज पड़े हैं, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो बिकॉज ऑफ दीज फोर चार्जेस। क्या आप इतनी बात समझ रहे हैं? तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पॉसिबल है, वो सारे के सारे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, आपको मेहनत करनी है, आपका एग्ज़ाम, आपका CBSE बोर्ड, आपके IIT JEE की प्रिपरेशन। आइए, और हमने क्या देखे थे जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाल रहे थे? हमने सीरीज टाइप प्रॉब्लम देखी थी, ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 1 मीटर दूरी पे 1 कूलम, 2 मीटर पे 8 कूलम, 3 मीटर पे 27। तो एक ऐसी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस 1, 2, 3 .. ऐसे ही करते करते बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस ओरिजिन वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है हमने देखा था। अब इनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आप निकाल नहीं सकते हैं? डिवाइड करना है पर यूनिट चार्ज। इज इट ओके? क्लियर है? सिमिलरली और भी हमने सीरीज टाइप प्रॉब्लम देखी थी, लाइक हमने देखा था प्लस माइनस वाले फॉर्मेट में जिसमें लॉगरिथम टर्म आ रही थी, आप लोग को बताया था log 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स क्या होता है, एक्सपेंशन। बात समझ में आ रही है? कुछ याद आ रहा है या सब भूल गए? बहुत बढ़िया। आइए, ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम बन सकती हैं, लाइक आप क्या कर लीजिए, आपसे बोला याद कीजिए एक हमने 3D प्रॉब्लम की थी, आपसे बोला था बिकॉज ऑफ दिस टॉप पोजीशन पे आप बता दीजिए, बिकॉज ऑफ दिस एट टॉप पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बता दीजिए नेट। कैसे सॉल्व करेंगे? 3D प्रॉब्लम है, वहाँ हमने वेक्टर से सॉल्व किया था जब हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने वहाँ पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम देखी थी, आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम पॉसिबल हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? ये सब मैं करा चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल आपको करवा देते हैं ताकि थोड़ा सा आपका डर भाग जाए। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलेटेड टू
इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए फाइंड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछ रहा है, एट 1 कूलम चार्ज पे, एट 1 कूलम चार्ज पे। आइए देखिएगा क्वेश्चन, कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, बोल रहा है यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, ये डिस्टेंस आपको दे दी क्या, मान लेते हैं 1 मीटर, मान लेते हैं ये भी 1 मीटर, ये 1 मीटर डिस्टेंस पे मान लेते हैं यहाँ पे है आपका 8 कूलम चार्ज, यहाँ पे मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है। आपसे बोल रहा है 1 कूलम चार्ज जो कि सेंटर पे है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, बिकॉज ऑफ डेफिनेटली क्या इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका कुछ अपने आप में ऑरा होगा चारों ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों डॉट 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 डॉट, क्या फील कर पा रहे हैं, इसके चारों डॉट डॉट डॉट, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ आएगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजिशन। अब जैसे यहाँ पे 1 कूलम चार्ज या 10 कूलम लाएंगे तो यहाँ पे फील्ड आएगा दोनों के कारण, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ इन दोनों के फील्ड के कारण। आपने मान लिया इस प्रॉब्लम में 1 कूलम ही रख दिया वहाँ पे, अगर आप 1 कूलम नहीं रखते क्या फ़र्क पड़ता, पड़ता वो तो उतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 कूलम यहाँ पे लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी यहाँ पे है इस पोजीशन पे, उसको 10 कूलम लाए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 कूलम लाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स उतने चार्ज पे पता चल जाएगा। इज इट ओके? चलिए क्या निकल के आएगा आंसर, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है यार बच्चों, ये देखो K Q/R² यही होता था, एक क्यू तो गायब हो गया ना पर यूनिट चार्ज, के क्यू की वैल्यू आइए इसके कारण 2 2K/1 मीटर, 2K/ यानी ये 2K आ गई, ये 2K आई इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव, कितनी आ गई 2K इस डायरेक्शन में, आइए इसके कारण 8 यहाँ पे डालोगे 8K तो 8K/ डिस्टेंस 1 मीटर, यानी 8K किधर आ गई इस डायरेक्शन में। अब ये वेक्टर मैं लंबा क्यों बना रहा हूँ, मैग्नीट्यूड देख सकते हैं आप, ये 2K है ये 8K, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी आ गई, क्या ये बताने की ज़रूरत है, 8K माइनस कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, 8K माइनस 2K दैट इज़ द 6K, दैट्स ऑल। कोई टफ थी क्या प्रॉब्लम, न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे आप 100 कूलम चार्ज आइए तो क्या हो जाएगा 6 × 100। अब यहाँ पे आप 200 कूलम चार्ज जैसे ही यहाँ पे लाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 6K ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे 6K की, जैसे ही आप थर्ड चार्ज लाए उस पर एक फोर्स लगने लगेगा, बात समझ में आ रही है, वो फील कर पाएगा फोर्स, कितना करेगा 100 कूलम लाए 6 का इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे 6 × 6 600K। इज इट ओके, क्लियर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, चलिए नोट डाउन करिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का फील आ सके। आइए समझते हैं, लेट अस सपोज आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट अस सपोज आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज का अमाउंट क्यू है, इसके कारण अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखिए, आप यहाँ से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप कैसे दिखाते हैं, आप इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे 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 एंड सो ऑन, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है, आप लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्यू आप लोग ऐसे क्यों दिखाते हैं, लाइन की हेल्प से क्यों दिखाते हैं, तो आंसर सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लाइट का एक पार्ट है, और आप लोग जानते हैं क्या लाइट को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रे से, ऑप्टिक्स चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, रे से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली आप इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हो, रे से। आइए दिस इज बिकॉज ऑफ ट्यूब, अभी रीजन लिख रहा हूँ मैं, एंड लेट अस सपोज अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता,
यहाँ पे है आपका माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू है तो कैसे होगा, ऐसे होगा। माइनस क्यू है तो कैसे होगा, अट्रैक्ट करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। क्या आप लोग इतना फील कर पा रहे हैं? तो आपने इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली। अभी लाइंस बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस आप दिखा सकते हैं, एक्चुअल में तो आप लोग जानते हैं क्या, ये लाइंस होती ही नहीं है, ये बस कन्वीनियंस ताकि हम लोग हम आप इंटरेक्ट कर सकें, आपस में हम नॉलेज शेयर कर सकें। हम समझाने के लिए हमें कुछ तो मानना पड़ेगा, दैट इज़ वाई हम इसको एज्यूम करके, रेस से रिप्रेजेंट करके आप तक हम ये नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे रीजन लिख रहा हूँ, नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पार्ट ऑफ लाइट एंड लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई रेस। Therefore, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेस से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पार्ट ऑफ लाइट एंड लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई रेस, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप लाइन की तरह दिखा रहे हैं। तो जब भी पॉइंट चार्ज होगा तो समझ लीजिए इसके चारों ओर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नज़दीक धीरे धीरे जाते जाते इनकी डेंसिटी थोड़ा सा फील कीजिए। यहाँ पे ये दो लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, यही दो लाइन की डेंसिटी काफ़ी दूर हो गए। तो अब यहाँ पे फील कीजिए, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर लाइन है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन है। तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है। जितने दूर जाएंगे और बड़े सर्किल में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फील्ड कम होगी। इतनी बात आप फील कर सकते हैं। चलिए, अगर आप इतनी बात फील कर पा रहे हैं तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड। ये फाइनाइट रॉड एक आपकी है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम CBSE, दैट इज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस IIT JEE एज वेल। आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये रॉड है, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है समवेयर, यहाँ कहीं समवेयर इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है। आपको इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है आइए देख लीजिए। इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज़ द लैम्डा कूलम पर मीटर, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन दिस रॉड। आपसे पूछा जा रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए एट डिस्टेंस डी पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस। अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था कोई चार्ज पार्टिकल है या चार्ज है, उसके कारण डेफिनेटली उसका एक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ भी तो ये चार्ज है dQ लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी इसमें चार्ज इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो छोटे छोटे चार्ज हैं इसमें dQ, इसके कारण छोटे से चार्ज के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, छोटे चार्ज के कारण यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हर चार्ज के कारण अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऑरा होता है। बात समझ में आ रही है? तो आइए समझते हैं कैसे डील करेंगे। देखिए CBSE पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन समझने की कोशिश करना वेरी कॉन्सेप्चुअल। चलिए आइए, आपसे पूछा जा रहा है, आइए मान लेते हैं, लेट अस सपोज क्या यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है, चलिए एंगल अभी दिखाते हैं, पहले यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए एंगल जो आपका है, एंगल हमने थोड़ा सा समझिएगा एंगल कैसे दिखा रहा हूँ। लेट अस सपोज दिस इज योर थीटा वन एंड दिस एंगल इज योर थीटा टू। कहाँ से नापा है एंगल, इस रॉड के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस से इस डायरेक्शन में और इसको ऐसे। क्यों इतना स्ट्रेस डाल रहा हूँ, थोड़ा देर में समझ में आएगा। आइए आपको निकालनी है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग जानते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, K dQ / r स्क्वायर।
यही होती है। ये फॉर्मूला आपको क्या देता है, जस्ट मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं मॉड लगा दे रहा हूँ, मीन्स जस्ट ये वैल्यू आपको दे रही है, इज इट ओके। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, चार्ज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसको डील करने के लिए, यहाँ पे एट वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे एक डी वाई लेंथ का एक एलिमेंट काट दिया, वाई पे हमने ये डी वाई लेंथ का एक एलिमेंट काट दिया, ये टुकड़ा आप देख पा रहे हैं। ये टुकड़े पे डी क्यू चार्ज कितना होगा पहले तो मुझे ये बताइए, कितना होगा डी क्यू चार्ज, कितना हो गया इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी डी वाई, तो कितना हो गया लैम्डा डी वाई, क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, ये तो है कूलम पर मीटर, यूनिट लेंथ पे इतना लैम्डा, तो डी वाई लेंथ पे इतना, क्लियर है। आइए अब यहाँ पे थोड़ा सा फील कीजिएगा, ये जो हमने डी क्यू छोटा सा एलिमेंट लिया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं दिखाऊं, आइए दिखाते हैं, किस डायरेक्शन में होगी, डेफिनेटली ये पॉजिटिव डी क्यू है तो आपको पता है क्या अवे, क्या यही होगी डी ई, छोटे से एलिमेंट के कारण इसलिए डी लगा रहा हूँ, डी मतलब स्मॉल, डी ई होगी, क्लियर है। आइए मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता था, यहाँ पे चलिए दिखाई देते हैं, आपने क्या किया यहाँ से थीटा पे डी थीटा, थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, आपने क्या किया थीटा पे डी थीटा, इस थीटा पे, आइए इसको रब कर रहा हूँ मैं सेंटर लाइन ताकि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, इज इट ओके। चलिए नाउ इट इज़ ओके। अब ये डी क्यू एलिमेंट के कारण, ये छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली अवे डी ई, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस डायरेक्शन में। अब एक बात बताइए, अगर आपका ये चार्ज यहाँ पे होता, ये डी क्यू यहाँ पे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे, अभी डायरेक्शन ये था अब ये आ रहा, इलेक्ट्रिक अगर चार्ज यहाँ पे होता तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, अभी यहाँ फिर यहाँ, तो कहने का मतलब है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने वक्त, क्या ध्यान देना पड़ेगा, व्हाइल वी विल इंटीग्रेट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, इसके जो सबसे नज़दीक है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा, ये एलिमेंट डी क्यू दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड कम, सबसे दूर और कम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेरी हो रही है, ऑल्सो उसका डायरेक्शन भी वेरी हो रहा है, तो जब भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसको क्या अप्रोच करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन अप्रोच। पहले भी सिखाया था, अगर फोर्स फोर्स आपका बदल रहा है किसी एलिमेंट के कारण, फोर्स लेट अस सपोज कोई रॉड है, रॉड चार्ज है, कोई रॉड, आइए समझिए कोई रॉड है ये, इसमें लैम्डा कूलम पर मीटर है, आपसे यहाँ पे फोर्स पूछा जा रहा है, इससे भी चार्ज है, ये भी कोई चार्ज है क्यों, इस पर फोर्स पूछा जा रहा है। अब आपको पता है सबसे नज़दीक वाले चार्ज के कारण इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, लास्ट वाले छोटे से एलिमेंट के कारण कम लगेगा, यानी फोर्स तो वेरी हो रहा है वहाँ पे, यानी आपको अप्रोच कौन सी अपनानी पड़ेगी, वेरी वेरी समझ चुके हैं आप लोग, इंटीग्रेशन अप्रोच। जब भी वेरिएबल होता है वेदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आपको अप्रोच कौन सी अपनानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन अप्रोच। देखिए अप्रोच डेवलप कीजिए, अपनी अप्रोच डेवलप करना सीखिए, अदरवाइज नए क्वेश्चन आएंगे आप लोग उन्हें टैकल नहीं कर पाएंगे, बात समझ में आ रही है। चलिए तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्रोच अपनाने वाले हैं, आइए देखिए, अब देखिए ये डी ई को मैं दो एलिमेंट में तोड़ सकता हूँ, क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा ये डी ई, अगर ये एंगल थीटा, डेफिनेटली थीटा ही आपको पता है, थीटा पे हमने क्या किया था, ये डी थीटा लेंथ का ये हमने टुकड़ा तोड़ा था, आपको इतनी बात समझ में आती है, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा या नहीं, ढंग से देखिए, ये थीटा है, आपने दो कंपोनेंट तोड़े इसके, एक हो गया आपका, अब मैं नाम कैसे दे रहा हूँ, ये डी ई है तो ये क्या हो जाएगा डी ई, ये क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा,
हो जाएगा या नहीं। अब इसका नाम क्योंकि ये इस रॉड के परपेंडिकुलर है तो इसका नाम दे रहा हूँ मैं ई, परपेंडिकुलर। ऐसे नाम क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपकी कहाँ पे ये इजी होगा ऐसे नेमिंग से, बाद में समझते हैं। दिस इज ई परपेंडिकुलर। अब ये रॉड के ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, तो इसका नाम दिया जा रहा है ई पैरेलल। पैरेलल ऐसे दिखाते हैं आप लोग, चलिए ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल। आइए अब थोड़ा सा फील कीजिएगा, थोड़ा सा फील करने की ज़रूरत है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इसके दो कंपोनेंट आपने तोड़े, इसका एक कंपोनेंट नीचे आया, इसका एक कंपोनेंट नीचे आया आया। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा वाई बाई डी। टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, वाई बाई डी। तो यहाँ से क्या हो गया, वाई इक्वल्स टू डी टेन थीटा लिख सकते हैं। तो वाई इक्वल्स टू डी टेन थीटा, तो डी वाई इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर थीटा। डी क्या है, डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस डी जो आपने मानी थी, दिस इज द डिस्टेंस डी। बात सुन में आ रही है, चलिए डी वाई की वैल्यू आपको पता है, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे इतना डिफ्रेंशिएट तो कर लेते होंगे आप। चलिए बच्चों, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू के कारण है, तो इसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, डी क्यू स्मॉल डी क्यू के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। नाउ इज इट ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे के डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू इधर देखिए, लैम्डा डी वाई क्या आ चुकी है, के लैम्डा डी वाई बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये होगी कितनी लेंथ, ये देखिए ये डी है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगी, डी सेक थीटा। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर क्या हो जाएगी, डी सेक थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अरे सिंपल सा यहाँ पे देख लीजिए, ये वाई दिया हुआ है आप लोगों को और ये डी दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को डी ई गई है, ये डी ई है, ये वाई है, तो ये क्या हो गया, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया, डी सेक थीटा। इज इट ओके। तो वही लिखा है, इसका स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर, इज इट ओके। ये क्या है आपको पता है, टेन थीटा हमने यहाँ से लिखा है, वो यहीं से देख लीजिए, टेन थीटा वाई बाई डी, नथिंग एल्स। आइए फर्दर, डी वाई की वैल्यू अगर आप यहाँ डालेंगे क्या हो जाएगा, डी वाई की वैल्यू जैसे ही आपने डाला, एक डी से एक डी कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर, तो क्या आ गया, के लैम्डा क्या हो गया, डी थीटा, के लैम्डा डी थीटा बाई, नीचे कुछ बचा, एक डी, एक डी, ये आपकी डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ रही है, डी ई क्या है, के लैम्डा डी थीटा बाई डी। क्रॉस चेक कर सकते हैं, डी वाई की वैल्यू ये है, यहाँ पे डालिए और सॉल्व कीजिए, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एक डी बचा, तो क्या आ गया, के लैम्डा डी थीटा बाई डी। आइए अब चलिए, नाउ अब हमें ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, तो आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए चलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, क्या होती है, डी ई कॉस थीटा। डी ई कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, डी ई की वैल्यू आपको पता है क्या आ गई, के लैम्डा तो कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है, कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, थीटा यहाँ से आपने माना है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक, थीटा वन से लेके थीटा टू तक, कहाँ से कहाँ तक, थीटा वन से लेके कहाँ तक, थीटा टू तक, दिस इज योर थीटा वन से लेके, नॉट थीटा वन, माइनस थीटा टू, नीचे से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, इसके नीचे है, तो ये क्या है, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक। सॉल्व करके इंटीग्रेट करोगे, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे, क्या आएगा, माइनस साइन थीटा की साइन थीटा, उसके बाद फर्दर वैल्यू डालोगे तो क्या आ गया, के लैम्डा, ध्यान से देखिए, डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, यहाँ स्पेस नहीं बचा आपके, चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं, ये आपका आ गया ई परपेंडिकुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं क्या, ई पैरेलल, क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, ई पैरेलल।
ई पैरेलल क्या हो जाएगा, आइए देखिए, डी ई साइन थीटा, डी साइन थीटा को इंटीग्रेशन आइए करते हैं, कहाँ से कहाँ तक करेंगे वो बाद में देखते हैं, के लैम्डा डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, अगेन माइनस थीटा टू से थीटा वन तक, क्या हो गया साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब क्या आ चुका है आपका, दिस इज योअर कॉस थीटा, तो आ गया आपका स्पेस प्रॉब्लम, चलिए मैनेज करते हैं, माइनस थीटा टू, क्या आ गया आपका के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं दोनों में स्टार लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइए समझते हैं, तो बच्चों ये आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए परपेंडिकुलर का, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू दोनों का समीशन, पैरेलल वाले में कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन वाले टर्म है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपने थीटा वन कैसे एज्यूम करना है, थीटा टू कैसे एज्यूम करना है, क्योंकि जब इस टॉपिक से रिलेटेड जब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बनती हैं तो ऐसे ऐसे आप शेप देखेंगे, आप सोचेंगे यार हमने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं। अभी आपको दूंगा मैं एग्जांपल, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं एग्जैक्ट थीटा वन थीटा टू कौन सा होगा, कितना होगा, कहाँ से होगा। यहाँ हमने थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक हमने इंटीग्रेट करना था ये पूरा, ये चार्ज जी क्यू माना, इसको पूरी लेंथ तक इंटीग्रेट करना था, तो हमने क्या किया माइनस थीटा टू से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, थीटा वन, यानी ये नीचे वाला एंगल माइनस थीटा टू, ऊपर वाला एंगल माइनस थीटा वन, माइनस थीटा टू से थीटा वन इंटीग्रेट करके ये एक्सप्रेशन आ चुके हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देखिए, अब थोड़ी सी चीज मैं रिलेट करवा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इससे रिलेटेड। ई पैरेलल किसके है, ऑफ कोर्स इस रॉड के पैरेलल है। अभी आपका ई पैरेलल का डायरेक्शन कहां है, नीचे, नीचे मतलब यहां से इस परपेंडिकुलर से लेंथ छोटी है, ये लेंथ बड़ी है, तो ये जो ई पैरेलल आया टुवर्ड छोटी लेंथ है, मतलब ये जो डायरेक्शन है नीचे बनाए या ऊपर बनाए, कहाँ बनाओगे आप लोग, आप लोग बनाओगे जो लेंथ छोटी है, ये छोटा दिख रहा है यहाँ से, यहाँ बड़ा, ये छोटा, तो पैरेलल किस दिशा में बना दो, पैरेलल को छोटे साइड। ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आप समझिएगा, क्योंकि इसी हिसाब से हमने डेरिवेशन किया है, अभी कुछ में इस प्रॉब्लम तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसको छोटी लेंथ की तरफ भाषण में आ रहा है। इसके बाद बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा वन थीटा टू कहाँ से कहाँ तक लेना है, थीटा वन लेना है आपका, कैसे लेना है, थीटा वन लेना है आपके यहाँ से परपेंडिकुलर से स्टार्ट करना है, ये देखिए परपेंडिकुलर से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है, टॉप तक, यानी बड़े एंगल की तरफ। आप तो सिंपल सा इतना याद कीजिए, थीटा वन कैसे लेना है, परपेंडिकुलर से ऊपर, थीटा टू परपेंडिकुलर से नीचे। अब ये रॉड लंबी होगी तो नीचे 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 तक आइए, थीटा वन ऊपर 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 तक जाइए। इतना क्लियर हुआ क्वेश्चन, दू श्योर, आर यू रेडी, चलिए ओके बच्चों, इस प्रॉब्लम के लिए जल्दी से ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन बता दीजिए। पैरेलल आपकी हेल्प मैं कर रहा हूँ, ये छोटी लेंथ है तो पैरेलल या इधर आता या इधर, मैंने किस डायरेक्शन में बनाया, छोटी लेंथ, ये क्या है ई पैरेलल, एंड डेफिनेटली परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा, बताने की ज़रूरत है क्या, ई परपेंडिकुलर। जब आपने इतना बता दिया तो जल्दी से वैल्यू भी बता दीजिए ई परपेंडिकुलर की एंड ई पैरेलल की, जल्दी से बता दीजिए। परपेंडिकुलर याद कीजिए क्या आता था, साइन थीटा, दोनों प्लस में, क्या आया के लैम्डा बाई डी साइन थीटा टू, यानी छोटा वाला थीटा टू किसे माना था, याद कीजिए साइन 20 प्लस साइन 40। ई पैरेलल क्या था, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा टू, यानी कॉस 20 माइनस कॉस 20 और क्या होगा माइनस कॉस 40, इज इट ओके, क्लियर है इतनी बात। आइए अब एक बात बताइए, अगर इतना आप लोगों ने कर लिया सॉल्व हो चुका है। अभी देखिए ये एग्जांपल और ये एग्जांपल में कोई अंतर है क्या, इसी का तो डेरिवेशन कराया था, नंबर वन, नंबर टू, इसको घुमा के रख दिया,
तो काफ़ी स्टूडेंट तो इसी में कन्फ्यूज हो गए होंगे। सेम प्रॉब्लम तो है ये दोनों, क्या आप देख पा रहे हैं ये और ये, तो ये ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों के सेम आएंगे, ऑफकोर्स दोनों के सेम आएंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम देते हैं, नंबर थ्री आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर थ्री। अगेन आपसे पूछा जा रहा है इस रॉड के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डॉट 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 ऐसा क्यों, यू नो दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो अब यहाँ पे आपको थीटा वन और थीटा टू लिखना आना चाहिए। बता देता हूँ थीटा वन क्या होता था, याद कीजिए, मैं वैसे बता देता हूँ आपको दिया क्या है इस क्वेश्चन में। आपसे बोला गया है क्या ये जो है आपका, ये जो है आपका 20 डिग्री है, ये है 20 डिग्री, वही वैल्यू ले लेता है 20, और ये कितना है 40 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। अब समझिएगा यहाँ पे अगर आपने थीटा वन थीटा टू निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व। आइए थीटा वन थीटा टू, इसके लिए थीटा वन क्या था याद कीजिए, परपेंडिकुलर से यहाँ तक, परपेंडिकुलर से ये टॉप पॉइंट वाली लाइन तक, यानी 20 + 40 = 60। थीटा वन क्या हो गया 20 + 40 = 60 डिग्री, बात समझ में आ रही है। थीटा टू क्या है, थीटा टू याद कीजिए परपेंडिकुलर से नीचे वाला, अब आप लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे, थीटा टू क्या है परपेंडिकुलर से नीचे वाला। अब नीचे वाला कहाँ तक, जाइए जाइए जाइए, समझिए कहाँ तक जाना था, याद कीजिए डेरिवेशन, नीचे जाइए जाइए जब तक आपको दूसरी लाइन नहीं मिल जाती है। तो आइए जाइए यहाँ से, जाइए जाइए, चलिए मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, तो यहाँ से जाइए 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 जब तक दूसरी लाइन ना मिल जाए। तो ये एंगल कितना है, थीटा टू कितना है 360 माइनस कितना 20, यानी कितना हो गया 340, तो कितना हो गया, या तो इसको ले लीजिए 340 डिग्री और थीटा इसको ले लीजिए, या ले लीजिए इसको कितना, या इसको ले लीजिए माइनस, कितना है ये माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं, बात समझ में आ रही है। 340 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 20 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 360 हो गया वो भी। तो आप लोग ये थीटा वन थीटा टू यहाँ पे निकालना इम्पोर्टेंट था। अब बात रही डायरेक्शन की, डायरेक्शन आप लोगों को पता है, क्लियर है कैसे दिखाया था। चलिए आइए यहाँ पे अब कोई एग्जाम्पल नंबर थ्री ये है, एग्जाम्पल नंबर फोर भी तो वही है, ढंग से तो देखिए आप लोग कन्फ्यूज क्यों हो जाते हैं। दिस इज योर एग्जाम्पल फोर, आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बता दीजिए आपको पता है क्या, आपको पता है ये एंगल है 20 और ये एंगल है क्या, ये एंगल है क्या, कितना दिया हुआ है 40। आइए समझते हैं यहाँ पे अगेन थीटा वन कितना है, यही फिगर तो है, इसको थोड़ा घुमा के रख दिया तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, सेम चीज़ है, थीटा वन थीटा टू आपको आ गया, बस मैं इसमें डायरेक्शन आपको दिखा देता हूँ। डायरेक्शन कैसे लेते थे बता दीजिए, ई पैरेलल, आइए रेड मार्कर से, परपेंडिकुलर तो आप लोग ऐसे ही दिखाएंगे, परपेंडिकुलर तो ऐसे ही दिखाएंगे, और पैरेलल ऐसे ही तो दिखाते थे, याद कीजिए, भूल चुके हैं क्या, अगर डायरेक्शन इधर आना होगा तो माइनस आ जाएगा, बट आपको स्टैंडर्ड इधर ही दिखाना है ताकि डेरिवेशन जिस हिसाब से किया था उसी फॉर्मेट से आप चलें। अब एक इसको अगर डायरेक्शन इधर आना होगा तो माइनस, बट इधर आएगा नहीं, आप लोग भी जानते हैं, यहाँ चार्ज है डी क्यू डी क्यू डी क्यू, इसके कारण वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ऐसे जा रहा होगा, उसका एक कंपोनेंट इधर एक इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी ना, इसीलिए तो आपको सिखाया जा रहा है डायरेक्शन, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आप डायरेक्शन यहाँ भी दिखा दीजिएगा, थीटा वन थीटा टू आ गया तो ए परपेंडिकुलर ए पैरेलल आप लिख सकते हैं क्या, डेफिनेटली आप लोग लिख लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा बच्चों इस प्रॉब्लम में, इस टाइप की प्रॉब्लम में बच्चों को एक प्रॉब्लम और आती है, वो क्या, सर ये डी तो दिया नहीं है, इस प्रॉब्लम में ए दिया हुआ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए दिया हुआ है, तो डी क्या लें, अरे माई डियर फ्रेंड ये ए है, तो ये डी कितना हो जाएगा ए कॉस 20, ये भी बताने की बात है क्या, डी क्या हो जाएगा ए कॉस 20 डिग्री, सिमिलरली वहाँ भी, तो इस टाइप के फिगर में। चलिए एक कितने हो गए, चार एग्जांपल हो गए, चलिए दो और लेते हैं ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए एग्जांपल फाइव देख लेते हैं, ये आपके पास रॉड है, ये आपके पास रॉड है, आपसे बोला जा रहा है बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए एट दिस पॉइंट, आपसे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए यहाँ पे,
आइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन आपको एंगल दिया हुआ है। कैसे बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, कैसे बताया था आप लोगों को परपेंडिकुलर लेना है। तो आइए, ये लिया हमने परपेंडिकुलर, आप लोगों को ये दिया हुआ है ए, आप लोगों को ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है क्या 40 डिग्री। देखिए पुरानी प्रॉब्लम, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पता नहीं क्यों। तो थीटा वन क्या हो जाएगा, थीटा वन क्या हो जाएगा, याद कीजिए थीटा वन क्या था, थीटा वन क्या था, परपेंडिकुलर से ये बड़ी वाली लाइन तक क्या है थीटा वन, 20 + 40 = 60 डिग्री। थीटा टू क्या था, थीटा टू क्या था, यहाँ से छोटी वाली लाइन तक, लेकिन किस दिशा में चलना था, उल्टी, तो कितना हो जाएगा, उल्टी में लेना है तो या तो इसको -20 डायरेक्टली लिख लो या 340 डिग्री, इज इट ओके, कुछ अंतर है क्या। सिमिलरली इसी प्रॉब्लम को हम कैसे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में, एग्जाम्पल 6 आइए, इसी को वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बना लीजिए। वर्टिकल को आप लोगों ने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल बना लिया, आप लोगों से यहाँ कहीं पूछ लिया गया है। अब यहाँ कहीं पूछ लिया गया है तो बता दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे पूछा है तो पहला काम क्या है, परपेंडिकुलर, ये ए है, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आप कंफ्यूज होंगे, डी की वैल्यू, ये अगर डी डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, ए कॉस 20, अगर आप लोग इतना लिख पा रहे हैं फिर तो क्या फॉर्मूले में आप लोगों को डालना है, इज इट ओके। चलिए दिस इज ए, अगेन एंगल क्या क्या दिए हुए हैं आपको, दिस इज परपेंडिकुलर से यहाँ तक आपको दिया हुआ है 20 डिग्री और ये आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, बात समझ में आ रही है। अगेन थीटा वन थीटा टू क्या होगा, थीटा वन परपेंडिकुलर से बड़ी वाली लाइन तक 20 + 40 = 60, थीटा टू परपेंडिकुलर से अपोजिट डायरेक्शन में चलना है छोटी वाली लाइन तक, तो कितना हो गया 340, या बोल दीजिए 340 को क्या बोल सकते हैं, थीटा टू क्या हो गया, यही तो है, यहाँ देखिए 340, या बोल दीजिए -20। क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्या अब तो आप घबराएंगे नहीं, अगर इस टाइप का कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं है, बस आप लोग देख के डर जाते हैं, थोड़ा सा उसे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, समझ में आएगा, क्योंकि सारे एक एक छोटे छोटे पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसमें ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर मुझे दिखा दीजिए, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर, आइए पैरेलल छोटे वाला आपको पता है, पैरेलल दिस इज योर ई पैरेलल, परपेंडिकुलर तो यही रहेगा ना बच्चों, क्यों कन्फ्यूज हो जाते हो, यहाँ पे पैरेलल, अब पैरेलल तो दो होते हैं, नीचे या ऊपर, किस दिशा में जाएंगे, छोटे वाली में, ई पैरेलल, अब ऊपर ही क्यों जा रहे हैं, ये रटने वाली चीज़ नहीं है यार, ये एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही तो होगी, रटने की बात नहीं है, और ये क्या हो जाएगा ई परपेंडिकुलर, देखिए ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर देखी थी और उसके एग्जांपल देखे थे, नेक्स्ट हम इनफाइनाइट वायर को डील करने जा रहे हैं, आइए देखिए इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, क्या आप इनफाइनाइट वायर को ऐसे दिखाते हैं, देखिए दिस इज योर वायर, क्योंकि ये इनफाइनाइट है इसलिए आप कैसे दिखाते हैं डॉट 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 डॉट, सिमिलरली इनफाइनाइट को कैसे दिखाते हैं डॉट 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 डॉट। आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे इस इनफाइनाइट वायर के कारण, इनफाइनाइट रॉड या इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, वेरी सिंपल, आपको करना क्या है थीटा वन थीटा टू ढूंढना है, दैट्स ऑल। क्या हो जाएगा थीटा वन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो रही है, इनफाइनाइट जा रही है ऊपर तक, तो ये दोनों लाइन कहाँ मिलेंगी जो यहाँ से आप डालेंगे, ये कहाँ मिलेंगी ऊपर, तो ये एंगल कितना बनेगा इन लाइन के बीच में, यानी दैट मींस थीटा वन क्या होगा आपका 90 डिग्री, एज वेल एज थीटा टू क्या होगा अगेन सेम, नीचे ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट बोर्ड में तो नीचे तक नहीं दिखा सकते, इनफाइनाइट का मतलब काफ़ी ज़्यादा, तो वैसे ये यहाँ कहाँ काफ़ी नीचे, दैट मीन्स थीटा टू भी आपका क्या है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है, फील कीजिए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, आपको पता है दो कंपोनेंट आते हैं, नंबर वन द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कंपोनेंट, तो अब ये देखिए यहाँ पे
एक बात बताइए, पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा? ऊपर वाला क्या है, इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, सेमी इनफाइनाइट, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, ये सेमी इनफाइनाइट ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ कोई चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, उसका एक कंपोनेंट पैरेलल नीचे, एक कंपोनेंट पैरेलल वाले की बात कर रहे हैं नीचे, सिमिलरली इधर वाला होगा उसके कारण ऊपर, उसका एक कंपोनेंट पैरेलल, तो ये घूम फिर के ये दोनों तो आपके कैंसिल हो जाने, पैरेलल कंपोनेंट, तो कौन से बचने हैं आपके, सिर्फ बचने हैं कौन से, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट, ये ई परपेंडिकुलर, कितनी वैल्यू आएगी आइए देखते हैं। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, यानी साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होता है 1 प्लस 1 2, तो क्या हो गया आपका 2k लैम्डा बाई डी। अब काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए हैं, बोल रहे हैं सर ये पैरेलल वाला समझ में नहीं आया, अगर नहीं समझ में आया तो पैरेलल वाले रिलेशन में डाल दो, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 माइनस कॉस 90 जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, तो पैरेलल जीरो आना भी चाहिए इस फॉर्मूले से, और मैं ऑलरेडी फील करा चुका हूँ कि ये जीरो ही आ रहा है, इज इट ओके। चलिए तो दिस वॉज द केस ऑफ क्या, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट का क्या है, देखिए फॉर्मूले आपको याद करने की रटने की जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको फाइनाइट जो हमने रॉड वाला, फाइनाइट वायर वाला जो हमने केस देखा था, वो दोनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए, बाकी एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब यही वाले केस को मैं आधा रब करके सेमी वाला केस बनाने जा रहा हूँ, मींस मैंने इसको आधा रब कर दिया, अब ये कौन सा केस बन गया, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी क्यों करा रहा हूँ ये केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी समझ में आएगा जब एक दो एग्जांपल हम देखेंगे। सेमी इनफाइनाइट वायर कुछ ऐसी ही होगी, डेफिनेटली ऐसी ही आपकी होने जा रही है। अब सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा आइए देखते हैं, आइए रब कर दीजिए। अब सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए थीटा वन और थीटा टू देखिए, थीटा वन कौन सा होता है, ऊपर वाला, अगेन अभी भी 90 है, थीटा टू बताने की जरूरत है क्या, नीचे को ऑब्वियसली जीरो डिग्री, अरे फॉर्मूले में डालिए आंसर बताइए, आइए ई परपेंडिकुलर बता दीजिए, ई परपेंडिकुलर फॉर्मूले में डालिए 90 प्लस जीरो, ये क्या हुआ थीटा टू यानी जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन 90 वन, यानी क्या आ गया के लैम्डा बाई डी। आइए पैरेलल का डालिए, कॉस जीरो वन, कॉस 90, कॉस 90 कितना हो चुका है आपका जीरो, क्या हो गया कॉस जीरो वन, कितना आ गया अगेन के लैम्डा बाई डी, आना भी चाहिए अगर आप लोग फील कर पाए। नेट रिजल्टेंट आपको परपेंडिकुलर पैरेलल पता है, तो क्या नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं आप इन दोनों का, रूट टू के लैम्डा बाई डी, इज इट ओके। तो इस प्रकार आपने सेमी इनफाइनाइट का भी केस देख लिया। अब देखिए सेमी इनफाइनाइट अगर आपको समझ में आ गया, सेमी इनफाइनाइट से अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बन जाती हैं, कैसी प्रॉब्लम आइए समझिएगा, यहाँ पे मैं कराने जा रहा हूँ एग्जांपल बताइएगा, चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं वो भी यहाँ पे एग्जांपल। आइए आपको दिया हुआ है दिस इज स्क्वायर, ये स्क्वायर जिसकी लेंथ क्या है ए है, इसके कॉर्नर पे नॉट कॉर्नर चलिए वायर जिसमें लैम्डा कूलाम डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा कूलाम पर मीटर, ये भी लैम्डा कूलाम पर मीटर, और ये जो वायर है माइनस लैम्डा कूलाम पर मीटर, और ये जो वायर है माइनस लैम्डा कूलाम पर मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, किसके सेंटर, सेंटर ऑफ स्क्वायर के, दीज आर द एक्सप्रेशन जिनको मैं बॉक्स में एनक्लोज कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे बच्चों, अभी हमने सीखा था ये लैम्डा कूलाम पर मीटर, इस वायर के कारण क्या होगा, आइए यहां पे दिखा देता हूं, ये वायर ये है, इसके सेंटर में निकालना है, तो मतलब क्या हो गया ये ए बाई टू हो चुकी है, इसके कारण इस वायर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ए बाई टू डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी। अब देखिए अभी हमने सीखा था कौन सा,
हमने सीखा था जब भी आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इससे ऊपर वाली लेंथ, इससे नीचे वाली लेंथ अगर बराबर है तो आपके जो पैरेलल कंपोनेंट आने वो कैंसिल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इनफाइनाइट वाले केस में समझाया था, क्योंकि इनफाइनाइट जितना ऊपर है इनफाइनाइट नीचे भी है, तो दोनों बराबर हैं ऊपर नीचे, तो उसमें पैरेलल वाला केस कैंसिल हो गया था। अदरवाइज आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली यहाँ पे भी इक्वल इक्वल तो साफ दिखाई दे रहा है, पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएंगे। जितने स्टूडेंट को नहीं दिखाई दे रहा तो पैरेलल में डाल दीजिए। क्या डालेंगे? ये एंगल कितना बनाएगा? ये एंगल बनाएगा 45, ये एंगल भी बनाएगा 45, cos 45 माइनस cos 45, पैरेलल कंपोनेंट जीरो आ रहा है। तो ये आपको डायरेक्टली फील होना चाहिए, दिखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे इसके कारण केवल परपेंडिकुलर आएगा। ए परपेंडिकुलर कितना आएगा बता दीजिए, फॉर्मूले में डालिए। 45 साइन 45 प्लस साइन 45, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, 2/√2 मीन्स √2 k λ/d, √2 k λ। अब बाई डी, डी कितना होता है, डी कितना होता है, डी यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ई परपेंडिकुलर √2 k λ/d। अब ये डी यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, a/2, यानी क्या आ चुका आपका 2√2। बात समझ में आ रही है? तो 2√2 k λ/a आपका इस वायर के कारण कहाँ आया, ये मैं मार्कर कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये क्या आ चुका है आपका, ए परपेंडिकुलर आ चुका है, इतना आ चुका है इसका अमाउंट, आपके पास पता है। सिमिलरली इसके कारण क्या आएगा, ऊपर को आएगा। सिमिलरली इसके कारण क्या आएगा, ऊपर को आएगा इसका परपेंडिकुलर। ये तो ये आपने दो वायर सॉल्व करी, अगेन सिमेट्रिक स्क्वायर, सारी लेंथ बराबर हैं, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होने जा रहा है। इस नेगेटिव के कारण क्या होगा, अट्रैक्ट करता है नेगेटिव टूवर्ड्स, तो ये नेगेटिव वाला भी कैसे दिखाओगे आप, चलिए ब्लैक से दिखा रहा हूँ, सॉरी। इसके कारण भी इस डायरेक्शन में, एंड इस माइनस लैम्डा के कारण इस डायरेक्शन में। अब तो ध्यान से देखिए, इसका मैं फिगर यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक यहाँ जा रहा है, दो यहाँ पे जा रहे हैं, दो जा रहे हैं, या इसको अलग अलग लाइन से ही देख लीजिए। चलिए, एक दो, एक दो, कितना है ये, एक के कारण कितना है 2√2 k λ/a, तो दो के कारण क्या हो जाएगा 4√2 k λ/a, ये भी क्या है 4√2 k λ/a। अब इनका अगर आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, रिजल्टेंट क्या, आप लोग निकाल नहीं सकते हैं क्या रिजल्टेंट, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। रिजल्टेंट अगर इसका नाम एफ है, इसका नाम एफ है, तो रिजल्टेंट क्या निकल गया आपका, एफ नेट, यानी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो ई नेट कितना निकल गया आपका। अगर इसका नाम ई है, इसका नाम ई है, तो ये क्या आ जाएगा, जब 90 डिग्री बनता है तो √2e, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्या आ गया √2e, मतलब हो गया 8 k λ/a। दिस इज द आंसर, ये आप लोगों का आंसर आ चुका है, वॉज इट टफ। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम बन सकती है। देखिए केस कौन सा बना आपका, सेमी इन्फाइनाइट नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट हमने कौन सा इन्फाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें ऊपर भी इक्वल नीचे भी इक्वल, यानी पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, केवल परपेंडिकुलर बचते हैं। तो पीछे हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे, उनका एप्लीकेशन हमने इस एग्जाम्पल में देखा। इज इट ओके, कोई डाउट? एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए ले लेते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और बेटर ब्रशअप हो जाएं। चलिए एग्जांपल ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे आपको निकालना है। देखिए अगर आपको सेमी इन्फाइनाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, सेमी इन्फाइनाइट का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को इजीली कर पाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये इन्फाइनाइट से वायर आ रही है, दिस। सिमिलरली ये वायर अगेन इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ रही है, ये वायर आपकी .. इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ रही है। तो आप लोगों से पूछा है, आप लोगों से पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए एट दिस पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों से पूछी गई है।
ओके बच्चों, आपको इसमें ये ए दिया है और ये डिस्टेंस ए दिया है। ये वाली वायर को अगर हम डील करें तो ये वाली वायर यहाँ पे ये एंगल थीटा टू कितना बन रहा है, थीटा टू बन रहा है आपका 45। यहाँ से अगर आप इसको डॉट 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 ले जाएं तो ये थीटा टू कितना बन रहा है, ये थीटा टू 45 बन रहा है और ये इनफाइनाइट जा रही है तो इसके कारण ये 90 बन रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, फिगर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका थीटा वन है 90 डिग्री, थीटा टू है कितना, थीटा टू 45 डिग्री, क्लियर है। तो इसके कारण इस पॉइंट पे रेड मार्कर, इसके कारण दो कंपोनेंट आएंगे। वन इज योर परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। तो साइन थीटा टू मीन साइन 45, 1/√2। तो क्या आ गया आपका के लैम्डा बाई डी, डी मतलब यहाँ पे कितना है ए, ए क्या आ गया अंदर 1/√2 प्लस वन। क्या आप लोग इतनी बात समझ पाए, दिस वॉज द परपेंडिकुलर बिकॉज ऑफ वायर। ये वर्टिकल वायर को पहले हम डील कर रहे हैं, इज इट ओके। अब देखिए परपेंडिकुलर, अब पैरेलल, इसके कारण पैरेलल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऑब्वियसली नीचे क्यों आएगा, मैंने बताया था ये इनफाइनाइट वायर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के कारण नीचे को आएगा, नीचे आएगा तो इस नीचे का एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट वो, दिस इज कॉन्सेप्चुअल जो आपको फील करना चाहिए। अदरवाइज जितने लोग नहीं समझ पाए तो मैंने बताया था ये छोटी वायर है, ये तो ऊपर को इनफाइनाइट जा रही है तो छोटी के डायरेक्शन में बता दीजिए, डायरेक्टली बना दीजिए। अगेन कॉन्सेप्ट सीखना है तो अभी पहले जो बताया, अगर आपको डायरेक्टली टाइम सेव करना है या याद करना है, मगअप करना है तो छोटी लेंथ के टूवर्ड बना दीजिए पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल क्या होता है, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। कॉस थीटा टू मतलब कॉस 45, 1/√2 कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, कॉस 90 जीरो। तो क्या आ गया आपका के लैम्डा, क्या आ गया यहाँ पे लिख रहा हूँ के लैम्डा बाई ए 1/√2। अब थोड़ा सा समझिए, ये वायर के कारण ये चीजें हैं, अब इस वायर के कारण क्या होगा, इस वायर के कारण सेम चीज ही तो होंगी, दोनों सिमेट्रिक, देखिए यार क्या अंतर है दोनों वायर में। तो इसके कारण परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या जाएगा, इसके कारण ऊपर को जाएगा, कितना आएगा परपेंडिकुलर, जितना ये आया था, जितना ये आया था, आइए यहाँ पे लिख देता हूँ। थीटा वन क्या है 90, थीटा टू क्या है 45। सिमिलरली ऊपर परपेंडिकुलर क्या आएगा, जितना ये परपेंडिकुलर आया के लैम्डा बाई डी 1/√2 प्लस वन। सिमिलरली इसके कारण पैरेलल, पैरेलल कहाँ दिखाएंगे, छोटी लेंथ की तरफ, छोटी लेंथ क्या है आपकी, ये है छोटी लेंथ, तो कितना दिखाएंगे, इतना के लैम्डा बाई ए, वैल्यू तो सेम आएगी, कितना आएगा, दिस इज योर ए, क्या आएगा के लैम्डा बाई ए 1/√2। सॉल्व कर लीजिए, आइए ये पी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ये ऊपर लग रहा है ये नीचे लग रहा है, तो नेट ऊपर कितना लग रहा है, इससे ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो ऊपर जो लग रहा है वो लग रहा है के लैम्डा बाई डी। सिमिलरली इन दो को सॉल्व कीजिए, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों माइनस कर दीजिए, ये माइनस ये, अगेन √2 √2 कैंसिल हो गया, तो नहीं क्या आ गया है इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे ए लेके चल रहे हैं। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या, रिजल्टेंट निकालना टफ है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा आपका √2 के लैम्डा बाई ए, इज इट ओके, क्लियर हुआ, श्योर। देखिए काफ़ी ज़्यादा हमने एग्जांपल कर दिए बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा देखिए अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, यानी प्रॉब्लम आपके पार्ट में है, मेरे पार्ट में नहीं, थोड़ा सा मेहनत करिए, नंबर ऑफ आवर्स स्टडी के बढ़ाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम फिर भी आ जा रही है, रह जा रही है कोई प्रॉब्लम, आप कमेंट में भेज सकते हैं, मैं उसका पूरी कोशिश करूँगा, एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई दूँ, शो टिल देन। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, टिल देन थैंक यू।